बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फोर्थ काउंटडाउन बुक फोर बुक फाइव थर्ड एडिशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स 1/3 ऑफ 12। अच्छा, 1/3 ऑफ 12 से मुराद क्या है कि हमें 1/3 ऑफ 12 नहीं, 12 का 1/3 फाइंड करना है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर देखें, हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। यहाँ पर देखें 1/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ऑफ 12 इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 4s are 12। इट मीन 12 का 1/4 हमारे पास क्या आ चुका है, 4। हमने अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट करना है, 4। नेक्स्ट हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है कि 3 1s are 3, 3 3s are 9, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अभी भी हमारे पास कटिंग हो रही है, 3 1s are 3, 3 1s are 3। तो अभी हमारे पास नॉमिनेटर में 1 multiplied by 1 is 1, 1 multiplied by 1, यानी हमारे पास क्या बच चुका है, सिर्फ और सिर्फ 1 बच चुका है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1। नेक्स्ट हमारे पास है 4/7 multiplied by 14/8 multiplied by 2/5। अच्छा, हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट्स मीन कि हमारी क्रॉस कटिंग कटिंग जो होगी ना, ऊपर नीचे हो सकती है। क्रॉस कटिंग से मुराद कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स में कटिंग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो इसी के नॉमिनेटर्स में हो, इसके साथ भी हो सकती है, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी उनकी क्रॉस कटिंग आपस में हो सकती हैं। अभी यहाँ पर देखें 4/7, अब हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखें, देखें 7 1s are 7, 7 2s are 14 हो चुका। अभी यहाँ पर देखें 4 1s are 4, 4 2s are 8 आ चुका। अभी यहाँ पर देखें 2 1s are 2, 2 1s are 2। अभी हमारे पास क्या बच चुका है, 1 multiplied by 2, 1 2s are 2, 2 1s are 1। हमारे पास नॉमिनेटर में 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या, 1 1s are 1, 1 5s are 5। हमारे पास क्या आ चुका है, 2/5। नेक्स्ट है 7/9 multiplied by 2/7 +3/14। तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, हम राइट करते हैं 2 क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन है जो कि क्या है, एक दूसरे के जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन हमें पता है कि 2/7 + 3/14। 7 के टेबल में 14 हमारे पास 2 के साथ आता है। इस मीन हम इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे क्या हो जाएं, हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। तो यहाँ पर देखें, अभी क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 2s are 4, 2 7 2s are 14 +3/14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 4 + 3 आ जाएगा 7, 7/14 multiplied by 7/9। तो हमारी क्रॉस कटिंग हो रही है, 7 1s are 7, 7 2s are 14। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बच चुका है, 1 7s are 7, 9 2s are 18। तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 7/18। हमने यहाँ पर क्या राइट कर देना है, 7/18। नेक्स्ट हमारे पास है, देखें हमारे पास 2 फ्रैक्शन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो चलें हम अपनी रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रॉस कटिंग ड्यूरी मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रही। तो 2 1s are 2, 3 5s are 15 प्लस 2, यहाँ पर भी कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, तो 2 4s are 8। नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5s are 15। अब यहाँ पर देखिए, हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम आसानी से क्या करेंगे, एडिशन कर लेंगे, 2 + 8 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 10/15। हमारा आंसर क्या आ चुका है, 10/15। अभी यहाँ पर देखिए 10/15 है, तो कटिंग तो अभी भी इनमें हो रही है ना, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हम कटिंग करेंगे, 5 के टेबल में 10 आता है 2 के साथ एंड 3 15 आता है 3 के साथ। इट्स मीन हमारे पास अब आंसर क्या आ चुका है, 2/3, जो कि क्या है हमारा आंसर। हम अपनी ब्लैंक्स में क्या राइट करना है, 2/3।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. अभी हम लोग को बताना है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. 1/2 ऑफ 1/4 इज 1/6. अभी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. तो 1 1s are 1, 2 4 2 4s are 8. हमारे पास आंसर आ चुका है, देखें इस तरह 1/2 ऑफ 1/4. अभी यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना है. 1 1s are 1, 2 4s are 8. हमारा आंसर आ चुका है 1/8, ना कि 1/6. नहीं आया, इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. नेक्स्ट हमारे पास है जो स्टेटमेंट, अभी कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें क्या है, हाफ शेडेड है. हाफ शेडेड है तो इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. कह रहे हैं कि ये हाफ है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. अभी यहाँ पर देखें 144/81 / 81/144 / 4/9 = 4/9. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि यहाँ पर देखें 144 मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्रॉस कटिंग हो जाएगी. 81 कट गया, यहाँ से हमारे पास 1 रह गया, यहाँ पर 4/9 में कोई कटिंग नहीं, जिस मीन 4/9 हमारा आंसर है. स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. हाफ ऑफ 1/3 इज 1/5. अभी कह रहे हैं अगर हम हाफ करते हैं, हाफ का 1/3 करते हैं तो वो 1/5 आएगा. यहाँ पर देखें हम कर लेते हैं, यहाँ पर हाफ, हाफ से मुराद 1/2 ऑफ 3rd मल्टीप्लाई बाय 3. क्या हमारे पास 1/5 आएगा, तो 3 1s are 3, नीचे डिनोमिनेटर में 2, तो हमारे पास आंसर आए 3/2, जो कि हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है. तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स. फिफ्थ मेक्स 5, फिफ्थ थर्ड मेक 5/3. तो फिफ्थ थर्ड से मुराद क्या है कि हमने राइट कर देना है 5 5/3. क्या बना रहा है, हमारे पास 5/3 ही बना रहा है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. 3 times 1 9 इज, यहाँ पर देखिए 3 times 3 × 9, तो हमारे 3 × 1/9, तो यहाँ पर देखिए 3 1s are 3 3 3s are 9, तो हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 1/3. तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, हम इसको टेक करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 5/9 and 3/95 इज, यहाँ पर देखें अभी हम प्रोडक्ट है तो हमने फ्रैक्शन राइट कर दिया. 5 1s are 5 5 1s are 5, 3 1s are 3 3 3s are 9, 13 1s are 13 and 13 5s are 65. अभी हमारे पास क्या बन चुका है, नॉमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 एंड डिनोमिनेटर में 3 एंड 5 है, तो इट मीन 3 5s are 15. हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, 1/15, जो कि हमारा पार्ट ए. हम इसको टिक करेंगे. एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ 5/6 × 7/10 × 12/35 इन द लोएस्ट टर्म. यहाँ पर देखिए मैंने फ्रैक्शन राइट कर दी है, 5 1s are 5 5 2s are 10. अभी यहाँ पर देखें 6 1s are 6 6 2s are 12 7 1s are 7 and 7 5s are 35. तो नॉमिनेटर में हमारे पास 1 1s are 1 1 2s are 2 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 and 5 and 2 5s are 10. 10 में भी हमारे पास अभी भी कटिंग हो रही है क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म हमसे मांगा गया है. तो यहाँ पर देखें 2 1s are 2 and 2 5s are 10, तो हमारे पास क्या आ चुका है, 1/5 इसकी लोएस्ट फॉर्म है, जो कि हमारा पार्ट सी. हम इसको टेक करेंगे. 3 whole 4/7 × 3 whole 3/15 × 7/12. यहाँ पर देखें मैंने इनको होल फॉर्म से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए. 3 7s are 21 21 में 4 ऐड किया तो 25/7. 15 3s are 45 45 में 3 ऐड किया तो 48. यहाँ 48/15, यहाँ पर देखिए तो हमारे पास इसी तरह था. अब हम कटिंग करेंगे. यहाँ पर देखिए पहले तो 7 and 7 7 1s are 7 7 1s are 7, ये कटिंग होगी. नेक्स्ट हमारे पास है 12 की कटिंग, 12 1s are 12 12 4s are 48, ये हो गए. अभी देखें 25 एंड हमारे पास क्या है, 15. 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 5 के टेबल में 25 आता है 5 के साथ एंड 15 आता है 3 के साथ. अभी देखें हमारे पास और कोई भी क्रॉस कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या बच चुका है, 5 4s are 20 एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास 3 है, तो हम 3 को ही राइट करेंगे.
यहाँ पर देखें 320 जो है जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 20 को हम यहीं पर ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। 20 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 18। हमारे पास क्या आ चुका है 2 रिमाइंडर, तो इट्स मीन 3 हमारा डिनोमिनेटर है, हमारा रिमाइंडर हमारा नॉमिनेटर है, एंड होल नंबर हमारे पास क्या आ चुका है 6, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है डी कोरेक्ट है। 7 by 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें फाइव टू ज़र टेन, हमारे पास क्या बच चुका है 7 2 ज़र 14, जो कि हमारा पार्ट बी है। इसके साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।